अगर आपको आर्मी में जाना है ना दोस्तों, तो वो पीछे मैं बता रहा हूँ आपको कि पीछे से चीरा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आपको रेफर भी कर देंगे एंड पूरा लाइफ लॉन्ग फिर आपका कोई उसका इलाज नहीं है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो जो है आज मेरे जो आर्मी एस्पिरेंट जो बंधु हैं, जो एक आर्मी में एक दिन हमारे देश के लिए जो लड़ेंगे उनके लिए है, जिनको रेफर कर दिया जाता है, कैसे वो रेफर हम तुड़ाएं, क्या उसका मैनेजमेंट है। यस दोस्तों, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल का जो यूट्यूब चैनल है इसको दोस्तों सब्सक्राइब करें एंड हमारा जो फेसबुक और जो इंस्टा चैनल है उसको फॉलो करें, जिससे ऐसी ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो आर्मी में जो रेफर जो आपको बना दिया एंड उस रेफर को मेरे को कैसे तोड़ा जाए, क्या वो चाबी है मेरे रेफर को तोड़ने के लिए, क्या वो बैरियर है जिसको तोड़ के दोस्तों मैं क्लियर कट आर्मी में जो है रिक्रूट हो सकता हूँ। दोस्तों लेकिन एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है दोस्तों, क्या वो पॉइंट है जिससे आपको रेफर किया जाता है, ये जो लिंक है दोस्तों इसको आप क्लिक करो, आपको तुरंत पता लगेगा कि कौन कौन से आर्मी के पॉइंट है जिनको आपको जो है रेफर किया जाता है। तो ये वीडियो देखने से पहले इसको क्लिक जरूर करो दोस्तों, तुरंत अभी क्लिक करके पहले इसको देखो फिर आगे इस वीडियो को देखो। यस दोस्तों, सबसे पहले है कान के से रिलेटेड जो है, कान के अंदर जो रेफर बनाया जाता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कान के पर्दे में छेद नंबर 1 मैक्सिमम 98% जो आपको रेफर मिलता है। दोस्तों जाने अनजाने में पता नहीं कब हमारे कान के पर्दे में छेद था एंड उसके कारण आपको रेफर बना दिया। सबसे पहला घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। यस आपका एडमिशन हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ 100% कोई नहीं रोकेगा आपको, बट उसके लिए उसका जो ट्रीटमेंट है दोस्तों वो है एक एंडोस्कोपिक एंडोरल टिम्पेनोप्लास्टी। दूरबीन से कान के जो पर्दे में छेद है उसको जो है दोस्तों ठीक कराना है हमें। उसका जो इलाज है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कान के पर्दे में आपके छेद है तो कान के पीछे चीरा लगने वाला ऑपरेशन नहीं कराना। अगर आपको कोई आर्मी में नहीं जाना तो ठीक है, अगर आपको आर्मी में जाना है ना दोस्तों, तो वो पीछे मैं बता रहा हूँ आपको कि पीछे से चीरा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आपको रेफर भी कर देंगे एंड पूरा लाइफ लॉन्ग फिर आपका कोई उसका इलाज नहीं है। इसलिए जहाँ पे आपको ऑपरेशन कराना है आपको बोलो मेरे को चीरे वाला ऑपरेशन नहीं कराना, मेरे को दूरबीन से एंडोस्कोपिक एंडोरल टेक्निक से जो है सर्जरी करानी है, जिससे आपको जो है दोस्तों अगर अच्छी अगर आपकी टेक्निक से ये सर्जरी हुई है, आई अश्योर यू आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आर्मी में भी जो है वो हमारे जैसे डॉक्टर ही हैं, वो यही देखते हैं कि आपका पर्दा सही लगाना चाहिए, नंबर 2 आपका पर्दा पोस्टोरल टेक्निक से नहीं होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा जो दोस्तों जो रेफर करते हैं वो सफेद दाग, मेडिकल लैंग्वेज में दोस्तों सफेद दाग को क्या है टिम्पेनोस्कोलोसिस बोलते हैं एंड ये क्यों बनता है मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे कान का जो पर्दा है उसमें जगह जगह कई बार कैल्शियम जमा हो जाता है। रूटीन दोस्तों अगर हम बात करते हैं ना, तो उस टिम्पेनोस्कोलोसिस से आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट आर्मी इस आर्मी वहाँ पे उनका रूल है तो वहाँ पे क्या है उसके लिए रेफर बना दिया। तो दोस्तों इसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है, इसका भी क्या है वही एक एंडोस्कोपिक एंडोरल टेक्निक से उसको जो है वो सर्जरी करके उसको ठीक कर दिया जाता है। दोस्तों एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, मेरी बात पे गौर करना, कहीं दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं आती है जो आपको सफ़ेद दाग को हटा सके। मेरे पास बहुत बार दोस्तों पेशेंट आते हैं, कुछ H2O2 डालते हैं, कुछ दवाएं, क्योंकि दुनिया में हर तरीके के दोस्तों लोग हैं, आपको कान में पता नहीं क्या डला दिया एंड आपका कान खराब हो गया। सो एंडोस्कोपिक जो एंडोरल टेक्निक से हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। दूसरा बी जो कैटेगरी है दोस्तों जो नोज के लिए जो रेफर होते हैं मेरे जितने भी आर्मी एस्पिरेंट भाई हैं, वो है DNS। दोस्तों DNS के लिए भी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, 100 में से 100% उसमें भी आपका इलाज हो सकता है। अब उसके लिए क्या है कि बहुत बार क्या है कि जैसे सिंपल सेप्टोप्लास्टी तो सब जगह दोस्तों हो जाती है, बट अगर आपको ये जो नाक का पार्ट है जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये जो कोडल सेप्टम डेविएशन है एक तरफ आ जाता है जब हम देखते हैं अनिकल, दोस्तों ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी होती है। तो ये आपको अच्छे सर्जन जो दिन रात ये काम कर रहा है, जो बोर्ड सर्टिफाइड सर्जन है, वहीं आपको कराना चाहिए। ये जो 1 से 1.5 घंटे का प्रोसीजर होता है, बाहर से कोई चीर फाड़ टाका पट्टी इसमें नहीं होती एंड करीब जो है 10 से 11 दिन बाद या 15
15 दिन बाद आप जो है आर्मी के अंदर जो है मेडिकल में जाने लायक हो सकते हैं, एंड आई अश्योर यू कोई नहीं रोक सकता आपको। डीएनएस में वापस आपको रेफर नहीं मिलेगा अगर अच्छी टेक्निक से हुआ है, बट वो अच्छी टेक्निक से होना चाहिए। सो एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी के माध्यम से आप जो है अपना रेफर तोड़ा सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों बड़ी माइनर सी है, किसी को टंग टाई है, टंग टाई रिलीज हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। टॉन्सिल के कारण बहुत कम जो है लोग रेफर होते हैं आजकल, जो है कोबलेटर से टॉन्सिल की सर्जरी होती है, आपको पता भी नहीं लगता, पेन भी नहीं होता, घंटे भर जो है उसके अंदर सर्जरी हो जाती है। सो दोस्तों ये कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां पे हम रेफर हो रहे थे, जो हमारा जॉब नहीं लग रहा था एंड हमारा जो काम हो गया। सो बट ये सारे एडवांस टेक्निक से काम होना चाहिए दोस्तों, जिससे क्या है करीब एक ही सिंगल शॉट में आपको आर्मी में आपको जो है आपका रेफर टूट जाएगा। सो देखा दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल। आप अपने जितने भी आर्मी एस्पिरेंट फ्रेंड्स हैं दोस्तों शेयर करना ना भूलें। एंड ये जो वीडियो में जो लिंक है, क्या वो पॉइंट है जो रेफर मिलता है उसको भी देखना ना भूलें। एंड जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल का जाते जाते जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड दोस्तों मेरे जो फेसबुक एंड जो इंस्टा जो है उसको फॉलो करना ना भूलें। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जिससे आपको जो है वो यूजफुल रहेगा। थैंक यू।